Hey guys, how are you all? कैसे आप लोग? I'm Tanusha Takwal and welcome back to my channel Lifestyle 17. So guys, आज के वीडियो में मैं आपको डिफरेंस बताने वाली हूँ टैंक टॉप, कैमिसोल एंड स्पैगेटी के बीच में. ये तीनों, कई फीमेल्स को लगता है कि तीनों जो टॉप्स हैं ये इनरवेयर के तरीके से ही यूज होते हैं और ये तीनों सेम ही हैं और इनके नाम अलग अलग हैं. बट को पता है कि ये तीनों जो टॉप हैं ये डिफरेंट हैं, बट ये नहीं पता होता कि क्या डिफरेंस है, किसको किसके साथ पेयर करना चाहिए, या किसको आप एज अ इनरवेयर ही पहन सकते हैं या किसको एज अ टॉप भी पहन सकते हैं या लेयर करके भी पहन सकते हैं. तो जो सारे डाउट होते हैं ना आपको इन तीनों टॉप्स को लेकर, ये सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में. बिकॉज काफी टाइम पहले भी मुझे खुद ऐसा लगता था कि तीनों चीजें सेम है और तीनों चीजें एज अ इनरवेयर ही यूज होती हैं, बट ऐसा नहीं होता. इनके बीच में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है और किस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि क्या टैंक टॉप है, क्या कैमिसोल है और क्या स्पैगेटी है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ टैंक टॉप के बारे में. देखिए, टैंक टॉप भी आपको डिफरेंट डिजाइन्स में मिल जाते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स में मिल जाते हैं और मेरे पास दो हैं. उनका क्या डिजाइन है, किस तरीके से आप डिफरेंस कर सकते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा. देख सकते हैं, ये एक टैंक टॉप है, एक टैंक टॉप ये है जो मैंने ऑर्गेनिक से लिया है. यू कैन सी जो इसका नेक है, इट्स लाइक कुछ इस तरीके का नेक है. तो इसमें आपको वैरायटी मिल जाती है, बहुत फैंसी फैंसी से डिजाइन स्टाइल्स मिल जाते हैं. बट जो इनका साइज होता है मेनली या वेस्ट तक रहेगा या आपका क्रॉप रहेगा. और एक चीज हमेशा नोटिस करना, आप जो टैंक टॉप होते हैं उनका जो स्ट्रैप होता है वो हमेशा वाइड होता है, पतला स्ट्रैप कभी भी नहीं होता है. अगर आपने अंदर से कुछ इनरवेयर पहना है तो वो अच्छी तरीके से हाइड कर देता है. क्वेश्चन ये आता है कि टैंक टॉप क्या सिर्फ इनरवेयर के तरीके से यूज होता है, या आप किसी के साथ लेयर करके भी पहन सकते हैं, या आप एज अ टॉप भी पहन सकते हैं. तो सबसे पहली बात, टैंक टॉप नाम में ही टॉप है, तो इसे आप एज अ टॉप भी पहन सकते हो समर में. बिकॉज समर में गर्मी होती है और इतना ज्यादा आप लेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है. तो ऐसा इंडिविजुअली आप टैंक टॉप को पहनेंगे तो ये टॉप जैसा ही लगता है, एक स्लीवलेस टॉप की तरह लगता है. बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन में आपको मिल जाता है जिससे आपका लुक भी इनहेंस होता है और आपको अच्छा भी लगता है. तो सबसे पहला है कि टैंक टॉप को आप एज अ टॉप भी पहन सकते हैं. बट अगर आपको टॉप की तरह नहीं पहनना है, लेयर करके पहनना है, तो आप लेयर करके भी पहन सकते हैं. आप कार्डिगन के साथ पहन सकते हैं, आप डेनिम शर्ट के साथ पहन सकते हैं, श्रग के साथ पहन सकते हैं, जो नेट वाले टॉप होते हैं या शीन टॉप होते हैं उनके साथ पहन सकते हैं. इसके साथ विंटर में आप जैकेट स्वेटर्स के साथ पहन सकते हो. तो किसी भी तरीके से स्टाइल करके आप टैंक टॉप को पहन सकते हो. और इसके साथ साथ गाइस, टैंक टॉप को एज अ स्पोर्ट्स वेयर भी आप पहन सकते हैं. जैसे नीचे से आपने जॉगिंग पहनी एंड ऊपर से आपने डाला टैंक टॉप, तो आपका एक सेट हो जाता है और बहुत कंफर्टेबली आप इससे लाइक जिम कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं. तो ये टैंक टॉप तीन तरीके से आपका यूज हो जाता है. और जो इनका स्टफ है ये भी आपको वैरायटी में मिल जाता है, कॉटन में भी मिल जाता है, सिल्क में भी मिल जाता है, सैटिन में भी मिल जाता है. तो बहुत तरीके के लाइक इसमें भी स्टफ आपको अवेलेबल होते हैं. बट जो दो मेरे पास पड़े हैं ये प्योरली कॉटन है. बिकॉज कॉटन लाइक विंटर में भी अच्छा लगता है और गर्मियों में भी अच्छा. इसके साथ हम बात करते हैं कैमिसोल की. कैमिसोल किस तरीके से टैंक टॉप से अलग है, तो मैं आपको पहले डिजाइन दिखा दूं किस तरीके के डिजाइन में आता है. देखिए, जो कैमिसोल है आपको इस तरीके के डिजाइन में मिलता है. जो इसका साइज है ये आपको नी तक भी मिल जाता है, ये आपको क्रॉप भी मिल जाता है, आपको वेस्ट तक भी मिल जाता है. देखिए, ये तो मैंने एक लॉन्ग साइज आपको दिखाया और जो शॉर्ट साइज है आप देख सकते हैं, इस तरीके का शॉर्ट साइज आपको मिल जाता है. बट जो इसके स्ट्रैप्स होते हैं आप हमेशा देखना, ऐसे पतले स्ट्रैप होते हैं. जो टैंक टॉप के थे वो वाइड स्ट्रैप थे, इसके पतले स्ट्रैप होते हैं. तो ये मेनली आप इनरवेयर के तरीके से तो यूज कर ही सकते हो, बट इसको आप लेयर करके भी यूज कर सकते हो किसी और कपड़े के साथ. जैसे आपने शॉर्ट पहनी है उसके साथ लेयर कर लो, आपने कार्डिगन पहना है, श्रग पहना है, तो ये आपका लेयर करके भी यूज हो सकता है और एज अ इनरवेयर भी यूज होता है. और इसका स्टफ होता है, ये स्ट्रेचेबल स्टफ होता है, मेनली कॉटन लाइक्रा या सिल्क में आपको मिलता है. और इसके साथ अभी के टाइम में जो कैमिसोल्स हैं उसमें इनबिल्ट बरा भी मिल जाती है, यानी आपको बरा पहनने की भी जरूरत नहीं है. क्योंकि जो कैमिसोल्स के स्ट्रैप्स होते हैं यू कैन सी पतले स्ट्रैप्स होते हैं, और जो टैंक टॉप के स्ट्रैप्स हैं वो वाइड स्ट्रैप होते हैं. अगर अंदर से बरा भी पहनते हैं तो वो वाइड हाइड हो जाता है. बट इसमें अगर आप स्ट्रैप वाली बरा पहनेंगे तो इसमें आपके स्ट्रैप्स दिखेंगे,
तो इस कंडीशन में आपको स्ट्रैपलेस बड़ा पहननी पड़ेगी और उसके साथ फिर लेयर करके आप इसे पहन सकते हैं। इसके इससे अच्छा तो है आप इनबिल्ट जो कैमिसोल्स में बड़ा आती है वो खरीद लो, तो बड़ा पहनने की भी जरूरत नहीं होती। तो इस तरीके से कैमिसोल्स को यूज किया जाता है और यही इनका काम है, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्टाइल तो आप कैमिसोल्स को भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं स्पैगेटी की। स्पैगेटी जो है गाइस कुछ नहीं है, कैमिसोल्स जो आपने मैंने आपको दिखाया उसके ही फैंसियर वर्जन होते हैं, यानी फैंसी फैंसी में आपको स्पैगेटी मिल जाती है जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप स्टाइल कर सकते हैं। एक डिजाइन मेरे पास पड़ा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं, ये है स्पैगेटी। आप इसके अगर स्टेप्स देखें, इसके स्टेप्स भी पतले होते हैं बट स्टाइलिश होते हैं, और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारा काम भी किया होता है। इस तरीके का देखो चेन भी है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में आपको मिल जाते हैं। इवन आपको स्पैगेटी के जो स्ट्रैप्स हैं गाइस, ये बहुत सी ड्रेसेस में मिल जाता है, जंपसूट में मिल जाता है, टॉप्स में मिल जाता है। तो स्पैगेटी को आप एज इनरवेयर तो पहन ही सकते हैं, आउटरवेयर भी पहन सकते हैं, अकेले भी पहन सकते हैं, लेयर करके भी पहन सकते हैं, यानी किसी शर्ट के साथ लेयर कर लिया, कार्डिगन के साथ लेयर कर लिया। तो ये तीन तरीके से आपका यूज हो, इन तीनों के बीच में यही डिफरेंस। अभी होप करती हूँ आपको पता चल गया होगा कि टैंक टॉप कैसा दिखाई देता है, कैसे तरीके से आप स्टाइल कर सकते हैं, या स्पैगेटी को किस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, कैमिसोल को किस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट टाइम आप शॉपिंग करेंगे या पहनेंगे तो आपको पता होगा कि आप कौन सा टॉप पहन रहे हैं या किसके साथ आपको कौन सा टॉप पहनना चाहिए। होप करती हूँ अभी सारे डाउट इन तीनों टॉप को लेकर आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।